इसलिए सब भाई से मेरा आग्रह है, विकास का काम हो रहा है और लोगों में उत्सुकता बढ़ा है, और विकास होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरकार एक व्यवस्था के तहत चलती है, सरकार धीरे धीरे सब काम कर रही है। पहले आपका आपदा जान माल का सुरक्षा करते हुए जो पैसा बचते हम विकास करते हैं। दो तीन सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश बहुत सारे देश में तो स्थिति है, आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो एक साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा हो। मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बहनोई भी मरे थे सर।